नहीं, मैं क्या न्यूज़ सुन रही हूँ। हाँ, पलपुरी का कुछ रिसेंटली न्यूज आया है कि बलात्कार के ऊपर। मुझे ऊपर से आके भगवान भी बोलेंगे ना तो मैं मानूंगी नहीं पलपुरी के बारे में। इतना इनोसेंट लड़का है ये पलपुरी। मैं BCL में देखिए उनके साथ थी, आपको मैं बता देती हूँ। पलपुरी और मैं देखा ना। हाँ, एक मिनट ना, बोल। दिख रहा है लाइट बंद तो नहीं हो गई? नहीं नहीं है, चालू है। दिख रहा ना आप रेड कपड़ा पहने? मैं पलपुरी, वो कभी नजर उठा के ऐसा कभी लड़की को देखता नहीं है। पलपुरी मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि वो बलात्कार के केस में ये वो मैं मानने के लिए आई कांट बिलीव। एकता कपूर का पूरी शोज करता है, नागिन करता है, नागिन। हाँ, एंड इज माई फेवरेट एक्टर पलपुरी। आई कैन नॉट बिलीव, हो ही नहीं सकता। हाय, या कम आजकल कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी आ रही है टीवी में भी। अब बीच में करण मेहरा का हो गया था भी। आप फोटो ले रहे हैं? अच्छा, फैन है क्या? बिग बॉस देखी थी? जूली को जानती है? जूली को ये सांडनी कौन थी बताओ। कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हो रही है टीवी में भी अभी। आई एम शॉक, आँख खोला मैंने। अंकल आप जाओ ना, मैं इंटरव्यू कर रही हूँ। क्यों देख रहे हो? लड़की नहीं देखी? अंकल जाओ ना, क्योंकि एक्सीडेंट हो जाएगा। जाओ उधर देखो, मेरे को मत देखो। हाँ, आपको देख के सही है बोलता है, आपको देख के आदमी ऐसे मर जाएगा। वो मेरे को देख रहा है, मेरी कॉस्ट्यूम को देख रहा है अंकल। वो सामने से बस और गाड़ी आ रही है, बताओ मेरे को क्यों देख रहा है, बताओ सही है कि नहीं। सो आई एम वेरी शॉक। एकता जी भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। एकता सपोर्ट करेगी, मैं सपोर्ट कर रही हूँ, अनीता सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वो सीधा लड़का है। मैं शॉक हूँ कि ये ऐसा कौन कंप्लेंट किया और ये गलत बात। देखो सब कुछ पुलिस के हाथ में है, पर जितना हम उनको जानते हैं वो इतना सीधा साधारण लड़का है, इतना क्यूट लड़का है पलपुरी। यू नो लाइक एक ये हार्ट अटैक न्यूज़ है, दिस इज टोटली। मैं कभी यू टर्न मार के आती हूँ क्या? कभी नहीं। मैंने स्पेशली कॉफ़ी तो मैं लेकर निकल गई, मैं स्पेशली मैं यू टर्न मारा। मैं खुश पलपुरी के लिए मैं सपोर्ट में हूँ टोटली। हमारी पूरी सीरियल इंडस्ट्री, बॉलीवुड सब पलपुरी के सपोर्ट में है। दूध का दूध पानी का पानी तो हो ही जाएगा ना। देखो जब स्टार बनता है ना तो उसको ऐसे लोग नीचे खींचते हैं, लेकिन एक जब इंसान स्टार बनता है इतनी मेहनत से बनता है। आप बताओ इतनी मेहनत से बनता है। आप कोई मेरे पे इल्ज़ाम लगा के दिखाए रेप का, किसी की मजा कोई मेरे पे इल्ज़ाम लगा के दिखाए, वही उजड़ दूँ मैं हैं? लगता है अपनी इंडस्ट्री पे किसी की नज़र लग गई है। फिल्म इंडस्ट्री को नज़र लग गई है, गलत है। नहीं बट ये तो गलत बात है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि आप बगैर किसी सबूत के किसी पे ऐसा इल्ज़ाम लगा देंगे, ये तो गलत है ना। उसको तो 4-5 साल तो कोर्ट में तो लगता ही है ना प्रूफ करने के लिए। हमारा तो लॉ तो इसको तो 4-5 साल लग जाएंगे अभी प्रूफ करने में। क्या पता वो लड़की उनको ब्लैकमेल कर रही होगी, क्या पता कुछ पैसों के लिए कुछ हो रहा होगा। कुछ बोल नहीं सकते ना दोस्तों, गलत है ना। मैं बहुत शॉक हूँ, बहुत ज़्यादा शॉक हूँ। जो भी लड़की ने ऐसा किया है किसी ने भी, बेबी पलपुरी के लिए तो मैं क्या बोलूँ, गारंटी ले सकती हूँ। वह मैं उसके सामने ऐसा इंटरव्यू ले रही हूँ, मुझे वो ऐसे नज़र उठा के भी उसने मुझे नहीं देखा। अब मैं आपको इंटरव्यू में इंस्टाग्राम पे डालूँगी मैं अपना उनके साथ। इज सच अ नाइस गाय। चलो थैंक यू सो मच मैम।